इसको देखकर भाई दिल को बहुत सुकून आता है, क्योंकि अपनी चीज अपनी होती है यार। तो ये खड़े अपने मुशर्रफ भाई। तो गाइज ये बंदा है भाई साहब थारा भाई। गाइज आज यार पूरे यार 10 दिन के बाद ये हमारे पास है। हेलो दी ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप देख रहे हैं एक्स मोशन व्लॉग्स और मेरा नाम है भाई साहब मुशर्रफ। तो गाइज आज मेरा कुछ व्लॉग इस तरह होने वाला कि यार सबसे पहले तो मैं आपको करूंगा यार थैंक यू, क्योंकि मैंने एक यार शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसके भी व्यूज गए भाई साहब 52,000 ओनली इन अ सिंगल डे। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। तो गाइज ऐसे प्यार दिखाते रहो कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। तो गाइज आज मैं आपको एक दूंगा सरप्राइज। सरप्राइज मेरा कुछ ऐसा है कि आज हमारे साथ एक यार जो बंदा बिछड़ा हुआ था कितने दिन से, 10 दिन से, वो आज फाइनली हमारे साथ आ चुका है। तो हमने यार उसको सच में बहुत मिस किया। तो गाइज वो वाला कौन सा बंदा है बताएं, चलो बता देते हैं। तो गाइज ये बंदा है भाई साहब थारा भाई। गाइज आज यार पूरे यार 10 दिन के बाद ही हमारे पास आया है। इसको यार सभी ये यार कमेंट में पूछा कि ये बंदा कहाँ गया हुआ था भाई। देखो आपने मेरे को ऐसे मुशर्रफ भाई को कमेंट में पूछा ही नहीं कि थारा भाई किधर है, थारा भाई गायब रहा। कोई बात नहीं, लेकिन वो यार ये जो हमारे है ना हमारे व्यूअर्स, इनको पता है कि वो बंदा किसी काम से गया होगा। तो हाँ आप बताओ आपकी ये यार जर्नी कैसी रही, आपने उधर क्या क्या कुछ फन वगैरह मजा क्या जो भी यार किया, कहाँ घूमे, जो भी किया वीडियो मैंने बना दी है, आ जाएंगी चैनल पे, खुद देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल गाइस। तो वो वाले यार कम से कम 6 से 7 वीडियो मींस हमारे सोबील भाई ने मींस यार थारा भाई ने वो यार 6 से 7 वीडियो बनाई हुई है, वो भी आ जाएंगी चैनल में। एक भाई एक दिन छोड़ के एक दिन आएंगी। तो ऐसे ऐसे हम यार वो वीडियो वगैरह बनाते रहेंगे, उनमें भी ऐसे प्यार दिखाओ। और यार यार जल्दी से जल्दी मेरे यार 1K सब्सक्राइबर भी कर दो, तो फिर मेरे सब्सक्राइबर बाहर शो हो जाएंगे। और आज हम जाने वाले हैं अपने थारा भाई के साथ, एक छोटी सी राइड जाएंगे ऐसे यार सिटी राइड, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे आज, क्योंकि आज सोबील की खुशी में यार हम सोच रहे हैं कि चलो यार कहीं चलते हैं। तो ठीक है गाइस अभी मिलते हैं सीधा राइड पे, छोटी सी राइड करेंगे कहीं कहीं देखते हैं, कहीं कोई अच्छी जगह पे अगर लोकेशन कहीं कोई मिल गई तो उधर चलते हैं। ठीक है गाइस चलो। तो गाइस अभी हम एक छोटी सी राइड के लिए निकल चुके हैं, हमारे पास है अपना ब्लैक बुल, अपनी बीस्ट मीन्स अपना अपना सब कुछ यही आज हमारे साथ। तो हमारे पीछे बैठे सोबील मीन्स थारा भाई बैठे हमारे पीछे। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, अभी यहाँ पे भाई साहब आगे आने वाला खांडली पुल, हमारी वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन, तो वो आने वाली है आगे। तो व्लॉगिंग तो हमारी फ़ोन से ही चलती है। अभी भाई साहब बज रहे शाम के 6, अभी हमारा निकलने का रीज़न कुछ ये था यार, दिन को थी बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी, तो गाइस यार दिन को निकलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं अभी निकला। एंड गाइस ये है खांडली ब्रिज, यहीं से ही रास्ता जाता है सीधा बुद्धल बकोरी श्रीनगर, यहीं से भाई सब जाता है रास्ता। और शाम के टाइम तो राइड करने का मज़ा ही और होता है, और साथ में ये अपनी अगर ब्लैक बुल साथ हो तो फिर तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। आज हम आपको कुछ एक अलग लोकेशन पे लेकर जाते हैं, वो हम यार पहले नहीं बताएंगे, उसको रिवील नहीं करते, लेकिन जाएंगे ज़रूर। आप बताओ आप सभी कैसे हो यार, मेरे को तो आपकी बहुत याद आई, रोजाना वीडियो देखता था, लेकिन इन दिनों में तो मुशर्रफ भैया ने तो बवाल मचा के रखा हुआ था, और वीडियो तो बहुत ही मस्त बन रही है हमारी। प्यार दिखाओ यार अपना, आप टाइम है आपको प्यार दिखाने का। तो अभी हम जा रहे हैं यार बहुत ही खतरनाक वाली लोकेशन, तो वीडियो को पूरा देखा करो यार, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। शाम को निकले क्योंकि भाई साहब लोकेशन मौसम है भाई। आज के बाद हमारी एक वीडियो में टारगेट जो है 1 घंटे के अंदर 200 व्यूज का, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हमारी व्यूज बढ़ते ही नहीं, बाद में बढ़ने का फायदा नहीं, 1 घंटे के अंदर 200 100 लाइक। भाई लोग मैं गया हुआ था बहुत ही दूर वाली, मतलब बहुत दूर जगह है, वहाँ गया था, वहाँ आपने रजौरी की बहुत याद आई यार, कसम से रजौरी बहुत, यहाँ पे बहुत मजे यार, लेकिन वहाँ जाके बाहर जाके अपने घर की बहुत याद आती है, क्यों नहीं मुशर्रफ भैया। साथ में गर्मी, उधर गर्मी बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने जो है आपके लिए व्लॉग बनाई, बहुत ही मेहनत की भाई साहब। हाँ भाई
के सभी ब्लॉग पे ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओ। हाँ, ताकि बहुत जल्द हमारे 1K के सब्सक्राइबर पूरे हो जाए भाई, हमारे सब्सक्राइबर बाहर शो हो जाएंगे। 1K करवा दो भैया जल्दी से। तो गाइज आज हम पहुंच चुके हैं बहुत ही एपिक लोकेशन पे। भाई देखो वो पार रहा अपना नगरोटा जहाँ से हम आए, यहीं हमारा घर भी है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो ये नीचे दरिया के पास में ही रोड है यार, बहुत मजा आ रहा है। तो ये खड़ा अपना ब्लैक बुल, भाई साहब यार बहुत, इसको देखकर भाई दिल को बहुत सुकून आता है क्योंकि अपनी चीज अपनी होती है यार। तो ये खड़े अपने मुशर्रफ भाई फुल पावर के साथ ये तो चल रहे हैं अभी जिम वगैरह भी ज्वाइन करेंगे आगे। हाँ भाई अभी तो भाई यार स्टडी चल रही है। ये व्यू देखो यार आप, क्या खूबसूरत वादी है भाई, यहाँ पे तो मजा ही आ जाता है। एंड गाइस अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल अपने यार घर के ऑपोजिट वाली साइड में। हमारा घर उधर पड़ा उस वाली साइड, मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट, ये रोड उसके ऑपोजिट आती है। अभी हम इधर आ चुके हैं, अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम में व्लॉगिंग करने का तो भाई साहब मज़ा ही हो रहा है क्योंकि ना गर्मी ना स्वेटिंग होती ना कुछ। तो अभी हम इधर यार व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं और लोग हमको घूर घूर के देख रहे हैं, ये जो गाड़ियाँ जा रही है ना वो देखो अभी भी यार बंदा मुड़ मुड़ के देख रहा है क्योंकि इधर के लोगों को इतना पता नहीं है। कोई बात नहीं, सून उनको पता चल जाएगा। और गाइस सपोर्ट करो यार जितना भी हो सकता है हमारे चैनल को। तो भाई अभी हम यहाँ से और ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर और इंटरेस्टिंग जगह है यार, बहुत जबरदस्त लोकेशन है ये वाली, बहुत जबरदस्त। गाइस अभी मुझे थारा भाई बोल रहा है कि भाई साहब ये बाइक राइड मैंने कर रही है, ये देखो बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, अभी आज हम देते हैं इसको चलाने के लिए, देखते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारे थारा भाई का, लेट्स सी। ये गाइस थारा भाई फुल ऑन मौज पे, खूब मजे कर रहे हैं, मजा आ रहा है, क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठंडी वादियों में आगे मजा आ रहा है ऐसी कुछ रोड है इधर की भाई साहब, कुछ ऐसी रोड है यहाँ की मतलब इतनी खतरनाक भी नहीं है और इतनी इसको हम इजी भी नहीं ले सकते। गाइस आते आते हम कुछ पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पे, ये वाली लोकेशन देखो यार भाई साहब बहुत ही अमेजिंग, एक एपिक और एक बहुत ही यार ख़तरनाक वाली लोकेशन है ये। ये लोकेशन देखो गाइस, अभी मैं आपको अल्ट्रा वाइड से दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें यार पूरा कैप्चर होता है। देख लो गाइस क्या ज़बरदस्त, ये पार भाई साहब नगरोटा है अपना, मैं जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ से मैं आपको अपना घर बताने की कोशिश करता हूँ अगर दिखाई देता है तो। हाँ ये गाइस ये तो ये घर है, ये देख लो मिल गया ना। तो गाइस ऐसी कोई लोकेशन है, ये नीचे नदी देखो यार, अभी तो इसका बहाव बहुत ही कम है लेकिन ये यार कुछ दिन पहले इधर बहुत ज़्यादा आ गई थी, ये इसे नीचे कहर मचा दिया था। ये हमारा थारा भाई बाइक अभी राइड की और मज़ा तो आ गया गाइस। तो ठीक है गाइस अभी हम और देखते हैं और कहीं ऊपर चलते हैं, अगर हो सका तो कोई और लोकेशन बताएंगे आपको, सो लेट्स गो। तो गाइस पार्टिकुलरली जो ये वाली जगह है इसका नाम है मैरा, इसको कहते हैं मैरा। तो हम अभी वो उधर पार से आए हैं, इधर पीछे से मुड़ के तो इधर आ गए भाई, एक बार ऊपर ये देखना भाई, वाह बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है इस टाइम भाई साहब। एंड गाइस देखो यार अभी हम जिस जगह पे ना, इधर पे धूप देखो, ये ऊपर देखो यार सूरज मामा भी अभी जाने की तैयारी में क्योंकि हो चुकी है भाई साहब शाम, अभी पड़ने वाली है रात। एंड यहाँ से कुछ व्यू जो है ना अपने नगरोटा पलमा का, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और पार्टिकुलरली गाइस अभी हम जिस जगह पे, इस जगह का नाम है भाई साहब मैरा, इसको मैरा बोलते हैं। और यहाँ से ये मेडिकल कॉलेज और रजौरी में बना है, ये देखो ये भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऊपर पहाड़ी के ऊपर है, और कुछ ऐसा दिखाई देता है गाइस इधर से। दिस इज़ नोन एज ब्यूटी मैन, रियली ब्यूटी। तो भाई लोग बात ऐसी है कि जिस जिस जगह में इंसान जाता है ना वहाँ जाके उसका सब कुछ चेंज हो जाता है, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ। तो जहाँ मैं गया था भाई वहाँ पे मैं हैरान था कि लोग कैसे रहते हैं, लेकिन यार उनको आदत हुई होती है। वो बताऊँ दरअसल क्या मसला होता है, हर यार हर जगह का रहन सहन उनका, ये यार रहने का तरीका खाने पीने का तरीका वो हर जगह का अलग है। अब हमारे देख हमारे यहाँ पे क्लाइमेट देख अच्छा होता है, उधर पे यार बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या तो यार ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन हम भाई जहाँ पे रहते हैं ये यार जन्नत है। हाँ, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इसको यार जन्नत बोलते भाई, ये तो मानने वाली बात है।
भाई लोग अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, क्योंकि जितना जितना आगे जाओगे इतनी जबरदस्त जगह आती जाएगी लेकिन ये भाई साहब अभी हम अपने घर के बिल्कुल पास में, नहीं तो मैं हेलमेट वगैरह अपना आराम से लगा के आता, क्योंकि अभी शाम का टाइम है तो हम यार वैसे उतनी फास्ट चल भी नहीं रहे, क्योंकि हमको बनानी है वीडियो। अगर तो हम यार अगर कहीं यार लंबे टूर पे जाएंगे फिर हम हेलमेट वगैरह लगा के चलेंगे। तो गाइस मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे कि यार आपने स्पोर्ट्स बाइक क्यों नहीं ली, आपने बुलेट ही क्यों लिया, क्योंकि गाइस ये बुलेट जो है ना ये यार लोगों के दिल में बसता है। और गाइस मेरा बुलेट लेने का जो यार मस्त यार सबसे मेन रीज़न था ना, ये बुलेट यार मेरे यार पापा भी चलाते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी गाड़ी है। और यहाँ पे ये देख लो गाइस लोगों के एनिमल्स, ये हॉर्स, ये बफेलोज वगैरह, ये तो भाई सब बताऊँगा बिल्कुल। और मेरा बुलेट लेने का भाई सब ये रीज़न था कि मेरे पापा चलाते हैं, उनको यार किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं स्पोर्ट्स बाइक तो चलो ले ही लेता, लेकिन स्पोर्ट्स को या सिर्फ मैं चलाता या सिर्फ मेरा छोटा भाई या सिर्फ यार ये चला सकता अपना थारा भाई, हम तीनों के अलावा उसको कोई नहीं चला हुआ था। और इसके पीछे अगर कभी मेरे मम्मा और साथ में पापा अगर कहीं जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और साथ में यार बुलेट एक हैंडलेस गाड़ी है, कोई बात नहीं, मैं पर्सनली अपना स्पोर्ट्स बाइक भी ले लूँगा, लेकिन पहले थोड़ा प्यार दिखाओ यार, चैनल बनना चाहिए अपना, उसके बाद ही तो गाइस हो पाएगा। तो भाई लोग आते आते हमें पता ही नहीं चला हम बिल्कुल पलमा के सामने आ गए भाई, वो पार से देखो पलमा की रोड जा रही है और हम यहाँ पे बिल्कुल उसके सामने पहुँच चुके हैं। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त जगह है यार, देखो जितना ये हिमालयस रीजन में जितना आप पीछे पीछे जाओगे इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन आती रहेगी। और गाइज आज की वीडियो मेरा बनाने का कुछ अचानक ही प्लान बन गया, क्योंकि हमारे थारा भाई यार सुबह ही पहुँचे थे और ये यार बहुत दूर से आए थे, तो अचानक से ही हमारी प्लानिंग बन गई वीडियो बनाने की। मैंने थारा भाई को फ़ोन किया, इसको ये तो बिल्कुल यार सो रहा था, उठा नहाया, नहा के फ्रेश होकर फिर ये आराम से इसने ये यार पहने अपने कपड़े वगैरह पहन के फिर मैंने इसको बोला यार चलो आज कुछ और एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और यार शेयर भी यार किया करो आगे ज़्यादा, क्योंकि यार बहुत सुन हम अपने यार 1K सब्सक्राइबर भी यार अपने कवर कर लेंगे और फिर हम और भी अच्छी इंटरेस्टिंग लोकेशन पे जाया करेंगे और अच्छे से यार बाइक वगैरह चलाया करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुमने कुछ बोला? हाँ, स्वस्थ रहो मस्त रहो ठीक है, और सेहत की तरफ ध्यान दो, अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दो, अपने ये यार घर वालों का ख्याल रखो ठीक है, उनको हर यार किसी भी को प्रॉब्लम में अगर कोई इंसान है उसकी हेल्प करो। तो ये यार मैं ऐसे वीडियो में नहीं बोल रहा, इंशाल्लाह मैं करता हूँ अगर यार मेरे से जितना भी हो सके। तो ठीक है गाइस मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए। एंड ये रहा अपना जूस, शुगर केन मतलब गन्ने का जूस, गुड फॉर हेल्थ हाइजीनिक। तो ठीक है ये रहा, अभी हम पियेंगे और निकलेंगे अपनी घर की तरफ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।